वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि। तो आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज एक नई मूवी जिसका नाम है बमफाड़। इस मूवी को प्रेजेंट किया अनुराग कश्यप ने और इस मूवी में हमें नजर आते हैं परेश रावल के बेटे जो कि इस मूवी से डेब्यू करे, जिनका नाम है आदित्य रावल। उसके अलावा अर्जुन रेड्डी के तेलुगु वर्जन में हमें नजर आने वाली एक्ट्रेस शालिनी, वो भी हमें इस मूवी में नजर आती है। साथ साथ इसके अलावा जतिन शर्मा और विजय वर्मा जैसे एक्टर भी हमें इस फिल्म में नजर आते हैं। खैर, इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी की ओवरऑल लेंथ लगभग 1 घंटे 40 मिनट की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से, जहां पर हमें नजर आते आदित्य रावल, जिनका इस मूवी में नाम है नासिर जमाल। वो एक कॉलेज के स्टूडेंट है और उनके फादर एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब नासिर की जिंदगी में आती नीलम। अब नीलम के आने के बाद कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है बमफाड़। अब मैं आपको बताता हूं कि मूवी मुझे पर्सनली कैसे लगी। तो देखिए, इस मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करूं तो जहां पर आपको एक देसी लव स्टोरी देखने को मिलेगी और कुछ बहुत बेहतरीन गाने देखने को मिलेंगे। साथ साथ जितने भी हमें चीजें देखने को फर्स्ट हाफ में मिली वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। लेकिन सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ मुझे पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना सेकंड हाफ होना चाहिए था। सेकंड हाफ में कुछ जल्दबाजी करके कुछ ऐसी चीजें डाली गई जैसे कि लव जिहाद का एंगल डाल दी गई। लेकिन हालांकि लव जिहाद इस मूवी का प्लॉट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब नासिर नीलम को पसंद करता तो नासिर की फैमिली से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही नीलम की फैमिली से। हालांकि नीलम की फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बताया, इवन नासिर की फैमिली को भी कुछ पता नहीं नीलम के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर लव जिहाद का एंगल बिल्कुल भी नहीं, वो एक छोटा सा रिफरेंस दिया गया। उसके अलावा पर आपको सेकंड हाफ में कुछ पॉलिटिकल चीजें भी देखने मिलेगी और एंड जो इस मूवी का था वो एंड देख के मुझे पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह का ही एंड इस मूवी का करना था तो फिर ये पूरी फिल्म का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि इस मूवी का एंड है ना वो बहुत से लोगों को निराश करेगा, बहुत से लोगों को अपीलिंग नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये मूवी सिर्फ एक एवरेज मूवी है। अब मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस में मुझे जतिन शर्मा और विजय वर्मा से जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन कहीं पे फुलफिल, क्योंकि जतिन शर्मा ने जिस तरीके से सेक्रेट गेम में बंटी का रोल प्ले किया था वो यहाँ पर जायद का रोल प्ले तो कर रहे हैं, मगर वो एक मजा जो आना चाहिए था जतिन शर्मा के रोल में वो नहीं आता है। और विजय वर्मा की बात करूं तो विजय वर्मा को जिस तरीके से भोकाल विलन बताना चाहिए था वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनके लिए भी करने के लिए इस मूवी में कुछ खास था नहीं। ये पूरी फिल्म फोकस करती है आदित्य रावल पर, यानी कि नासिर जमाल पर, इसी वजह से दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के पास करने के लिए इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज सभी लोगों ने काम अपना बहुत अच्छा किया। और अगर डेब्यूटेंट आदित्य रावल की बात करूं तो देखिए ये उनकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म से उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोल उन्होंने यहाँ पर प्ले किया वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा भी रोल नहीं था कि जो इससे पहले हमने किसी और को भी इस तरीके रोल करते हुए नहीं देखा, तो इस वजह से उनको यहाँ पर जज नहीं करेंगे। अगर उनकी सेकंड फिल्म आती है तो सेकंड फिल्म देखने के बाद हम बता सकते हैं वो कितने जबरदस्त एक्टर। फिलहाल तो यहाँ पर सभी का काम अच्छा है। डायरेक्शन की बात हो तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको अच्छा लगता है। हाँ, ये है कि आपको अनुराग कश्यप का कुछ टच देखने को मिलता है, हालांकि उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो इस फिल्म के डायरेक्टर वो अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्केबाज को लिख चुके हैं, तो इस वजह से उनको पता है कि अनुराग कश्यप को किस तरह की फिल्में पसंद है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अनुराग कश्यप का कुछ टच देखने को मिलता है जरूर, लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट किया रंजन चांडल ने। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये मूवी पसंद आई, अगर आपने इस फिल्म को ऑलरेडी देख चुके तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपने नहीं देखा अगर आप इस फिल्म इस वीडियो के बाद देखोगे तो ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। और बस इस वीडियो में इतना। मैं हूँ राशि सिंह और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो।